बदला चिराग पासवान को समाप्त करके लेना चाहते, जो नहीं चाहते कि भैया ये लड़का क्यों इतना बोल रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने समाज का हाथ पकड़कर क्यों आगे लेकर जा रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने पिता के जाने के बाद उनकी सोच को क्यों आगे बढ़ाने का काम कर रहे, और वो मानसिकता वाले लोग चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, चिराग पासवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर आज पुनः आप लोग के सामने इस बात को कहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। साथियों, ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत आजमानी आई है। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति है जो आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज भी पलायन का शिकार होता है, दूसरे देश दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। मेरा समर्पण आज भी हर उस महिला और उस बुजुर्ग के प्रति है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, हर उस महिला के प्रति है जिसका शोषण, जिसके साथ दुष्कर्म सिर्फ इस सोच के साथ किया जाता है कि वो फलाना जाति से आती है। और जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं बदल दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से कर दूंगा। ऐसे में और आप सबके माध्यम से समाज के हर उस व्यक्ति के साथ ही जिन्होंने मेरे पिता पर विश्वास किया, मैं चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं उस झूठ को हम लोग पर्दाफाश करते। साथियों, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती है। चुनाव के वक्त क्या क्या कहा गया था, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। मेरे नेता ने भी इस बात को कहा था, मैं पुनः दोहराता, मेरे पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में उस गठबंधन में। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले, अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं जाएगा।